देवास में नागूखेड़े स्थित वेयरहाउस के सामने किसानों ने गेहूं नहीं तोले जाने को लेकर चक्काजाम कर दिया। किसानों का कहना था कि पिछले दो दिनों से किसान यहां गेहूं लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर हमालों द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं गोडाउन छोटा होने से किसानों को यहाँ पर गेहूँ लेकर रखने में भी समस्या आ रही है। आज जब यहाँ पर गेहूँ नहीं तोला गया तो किसान नाराज हो गए और रोड पर आकर ट्रैक्टर लगा दिया और करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक किसान यहाँ रोड पर बैठ गए, जिसके चलते ये वाहनों की लंबी लाइन लग गई, जहां मौके पर सिविल लाइन थाना प्रभारी संजय सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा पहुंचे और किसानों को समझाइश दी और जाम खुलवा कर गेहूं तुलवाई का कार्य चालू करवाया। चक्का जाम का मूल कारण ये है कि सब किसानों का पहला साइलो में था, साइलो के बाद यहां किसानों को यहां भेज दिया गया। यहां पर समस्या ये है कि ये छोटा सा गोडाउन है और चाचा दिन होगा किसानों को। दूसरी समस्या यह है कि यहाँ से माल हटाना है या दूसरे वेव हाउस पहुँचाए। तीसरी समस्या कि यहाँ 2-3 बजे नीलामी होती है, 10-5 ट्रैक्टर तुलते हैं, उस पर भी जो है वो अपनी अपनी मांग रख लेते हैं, अपनी अपनी मांग रख लेते हैं कि भैया हमें 500 चाहिए, 700 चाहिए। समस्या ये है भाई, वहाँ से साइलो से हटाए ट्रैक्टर, तो उन ट्रैक्टरों की या तो व्यवस्था कर दे या यहाँ से जो माल हटाना तो माल हटा दे और टेक भी नहीं चढ़ भाई इसके ऊपर सबकी तारीख। दूसरी भी एक समस्या वो है कि 7 दिन का प्रशासन ने टाइम दिया, काफ़ी पर्याप्त समय है किसान के लिए। 7 दिन में कितना भी बड़ा किसान हो वो अपना माल तोल सकता है, लेकिन समस्या कि एक ट्रैक्टर लाता है या प्याज लाता तो 4 दिन में अगर वो घर जाएगा तो क्या तोल पाएगा। 6 दिन हो गए ना, 6-6 दिन हो गए, 4-4 दिन तो फिक्स हो ही गए। तो सबसे मूल समस्या ये स्लॉट खत्म हो जाते तो क्या कारण क्या है इसका भाई? प्रशासन भाई छोटा सा गोडाउन है, बड़े गोडाउन में शिफ्ट करे या यहाँ से माल हटाए, ये समस्या है। दूसरा, आपने अभी आरोप लगाया कि 1500 रुपए यहाँ पे ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, क्या किस गाय के ले रहे हैं? देखो ऐसा है, आप अपना निजी वाहन लाओ या 4-4 दिन हो जाए तो कोई भी चाहता लाभ या 500 ले ले, 700 ले ले, तो ये स्वयं किसान भी जिम्मेदार है और ये परिस्थिति भी जिम्मेदार है। किसान यूं पर अगर इसका जिम्मेदार है कि वो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी निर्वाह हो जाऊं और अपने घर चलूं। उपार्जन केंद्र पर थोड़े समय के लिए रोक दिया था क्योंकि स्टैगिंग नहीं हो पाई थी, तो लेबर को बुला लिया है और स्टैगिंग काम चालू हो गया है और तुलाई भी प्रारंभ। सर, किसानों का कहना था 2-3 दिन से नंबर नहीं आ रहा उनका और यहाँ पे जो टोकन सिस्टम की व्यवस्था भी की गई थी उस हिसाब से भी काम नहीं हो रहा। टोकन सिस्टम को अभी मैंने फिर से देखा है और टोकन सिस्टम से ही उसको तुलाई करा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बीच में अपना कोई ट्रैक्टर या ट्रॉली ले आता है तो उनको मना ही किया गया है, पुलिस बल भी मौजूद है मौके पर, तो उसको टोकन सिस्टम से ही नंबर से ही लोगों की तुलाई कराएंगे और आज जितने भी ट्रैक्टर थे उनको सबकी, जो भी अभी यहाँ पे 1-2 दिन से खड़े हुए उनकी भी तुलाई। सर, किसानों का कहना है कि पैसे की भी मांग की जा रही है, ऐसा कुछ 1-2 लोगों ने बताया है, लेकिन हमने बहुत ही उनको स्पष्ट निर्देश भी दिए कि ना तो किसान किसी को भी किसी प्रकार का पेमेंट करें और हम यहाँ और अपने स्टाफ को बढ़ा रहे हैं, नियमित रूप से प्रॉपर तरीके से तुलाई कराएंगे, कोई किसी से किसी प्रकार की राशि नहीं लेंगे। देवास से बेरोची अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। वॉइस ऑफ एमपी की मुहिम, बेजुबान पक्षियों के लिए दान करें सकोरे या फिर अपने मकान के छत पर रखें सकोरे, भीषण गर्मी में सुने इनकी फरियाद।